नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा काम यहां पर है आपके जीके को स्ट्रॉन्ग करना, जीके के क्वेश्चन लेकर आना, और बार बार रिपीट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं पिछले 30 साल से। ये प्रश्न आपकी आपके एग्जाम में मदद करेंगे। आप जीके की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में जीके आता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, आपका आर्मी का कोई एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, हमारा काम है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जीके के लाना। और आपसे बस उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। सुपर फास्ट स्पीड में ये वाला भी वीडियो होने वाला है, तो सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो। 100 जीके के प्रश्न हैं, करते हैं इस वीडियो को सुपर फास्ट स्पीड में स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? बताइए, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर, कपूर को राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा आगरा नगर के लिए, तो आगरा नगर की स्थापना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपने पढ़ लिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर बॉटनी। तो बॉटनी जो वर्ड है, जो शब्द है, ये निकला है ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ग्रीक भाषा राइट आंसर है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं, तत्व जिसका परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही एक समान होते हैं, इनमें से कौन सा तत्व है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन वह तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा या हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऊष्मा या हीट एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसको हम कार्य में बदल सकते हैं। कौन से वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध किया था, सबसे पहले प्रमाण दिया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा रमफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये बोला था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। रमफोर्ड ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा रमफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? बताइए, अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर अजंता की गुफाओं के लिए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना, अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश के समय, तो याद रखना क्वेश्चन का आंसर है गुप्त शासनकाल के दौरान अजंताओं की अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर ए गुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं, एक ही समय पर जमीन में पहुंचेगी? तो याद रखना निर्वात मतलब वैक्यूम में, चाहे आप 10 किलो का पत्थर फेंको चाहे आप रुई फेंको, दोनों एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगी, गुरुत्वाकर्षण वहां पर रहेगा नहीं, तो एक समान त्वरण के साथ गिरेंगी। याद रखना 10 किलो की आप बॉल फेंको चाहे आप एक रुई फेंको, एक साथ ही जमीन पर आके गिरेंगी। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो गैलीली ने ये बताया था, ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो गैली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर इनमें से कौन होता है? देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष और सुप्रीम कमांडर होता है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिसर की स्थापना करता है? बताइए, जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सबसे पहले तो आप में से जिसको भी पता है जीएसटी का फुल फॉर्म, यदि पता है तो कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, जो वीडियो देख रहा है,
उनमें से कितने बच्चे जो हैं एक्टिव हैं और कितने बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 279A, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 279A। किसी का गलत भी होगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, परेशान नहीं होना। यदि आपको गलत कुछ भी आपको लग रहा है आप कमेंट करो, गलत होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है, राइट आंसर क्या है। तो एनिलीन इसके शुद्धिकरण के लिए भाप श्रवण विधि का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। तो दिल्ली का सुल्तान जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है थियोफ्रेट्स इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेट्स हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था डेवी ने, ऑप्शन नंबर सी डेवी के द्वारा बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी बिहार था। तो याद रखना दोनों ही कथन सत्य हैं, गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक जो राज्य था वो यूपी और बिहार था। तो एक और दो दोनों सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है, इनमें से कौन सा वाक्य भारत के राष्ट्रपति के लिए दिया गया है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। याद रखना गुलजारी लाल नंदा जी भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने हैं, ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा जी भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कार्बन के यौगिक CH3OH का IUPAC नेम क्या है, CH3OH यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा CH3OH के लिए। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर है आपका मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए CH3OH मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिया एनीमेलियम, हिस्टोरिया एनीमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है, इसके पहले पढ़ा था हिस्टोरिया प्लांटेरम, अब हिस्टोरिया एनीमेलियम, तो एनीमेलियम के लेखक हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हिस्टोरिया एनीमेलियम के अरस्तु लेखक हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर ए अरस्तु राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है आपका ओजोन, ऑप्शन नंबर डी ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, गुप्त संवत की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, तो गुप्त संवत की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहां पर कि पारसेक डैश की इकाई है, पारसेक डैश की इकाई है, तो पारसेक आपकी इकाई है लंबाई की, ऑप्शन नंबर ए पारसेक लंबाई की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर पारसेक लंबाई की इकाई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, आज का सबसे इजी क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इथिलीन का IUPAC नेम क्या है, इथिलीन का
आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? राइट आंसर इथिलीन का आईयूपीएसी नेम। तो इथिलीन का आईयूपीएसी नेम है आपका इथीन, ऑप्शन नंबर ए। इथीन जो है ये इथिलीन का आईयूपीएसी नेम है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ऑप्शन नंबर ए सीपीयू राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है पूछा गया है, तो इट्रियम ऑप्शन नंबर डी ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, पानी को लगातार घुमाया जाता है, चर्निंग की जाती है, तो उसका ताप बढ़ जाता है इस क्रिया में, ऐसा क्यों? तो चर्निंग की जाती है तो ताप बढ़ जाता है, इसका रीजन है आपका यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज हो जाती है। गोल गोल बहुत तेजी से घुमाओगे तो उसमें गर्माहट आएगी और वो हीट बन जाएगी हीट एनर्जी में, इसलिए गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन नंबर बी महाराजाधिराज। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? फ्यूज किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? राइट आंसर हो जाएगा अति भारण या ओवरलोडिंग से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं है? आवश्यक योग्यता क्या नहीं है? तो देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो जरूरी नहीं है, ऊपर के तीनों जरूरी है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो ये जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ये जरूरी नहीं है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम बताना है, एसिटिलीन का, तो एसिटिलीन को कहा जाता है आपका इथाइन, ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन को कहा जाता है इथाइन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अपने ससुर की हत्या कर दी थी किस खिलजी शासक ने? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसको जीव विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जीव विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है चिप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी चिप राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चिप। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइट्रियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान यदि बॉयलर के अंदर उच्च दाब हो हाई प्रेशर हो तो टेम्परेचर जो है आपका उच्च हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हाई प्रेशर के कारण। निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? संरक्षी बल की विशेषता क्या है? तो संरक्षी बल इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। संरक्षी बल जो होता है इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए डैश का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 ए किसका अधिकार प्रदान करता है? तो 21 ए प्रदान करता है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का अधिकार राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहो तो कम से कम कितने वर्ष के आप होने चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 35 वर्ष के होने चाहिए आप, ऑप्शन नंबर डी
35 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, आयु होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH क्या है, C2H5OH क्या है, तो C2H5OH राइट आंसर हो जाएगा इथेनॉल है, ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, ऑप्शन नंबर ए शैवाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, तो आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसका जो विकास किया गया है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जे एस किलवी, ऑप्शन नंबर सी जे एस किलवी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, तो यहां पर आपको जो धातुएं दी गई हैं उनमें से आप CU से यदि क्रिया करेंगे तो आपकी तनु गैस नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, बाकी सभी से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कई लोग चंद्रगुप्त प्रथम बोलते हैं जो कि गलत आंसर है, श्रीगुप्त ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली, तो मोरारजी देसाई के बाद आए थे चौधरी चरण सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी चरण सिंह या चौधरी चरण सिंह जी राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपकी ऊर्जा की एक इकाई है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी माफ कीजिएगा, ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा, तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित होगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित होगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया, तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया है, ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना, तो सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान कहलाने वाला सबसे पहला शासक था महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने किया, ऑप्शन नंबर डी लेमार्क और ट्रेवी रेनस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर बी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु को गर्म करोगे तो अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए अणुओं की चाल बढ़ जाएगी यदि आप वस्तु को गर्म करोगे। गुप्त किसके सामंत थे, गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ऑप्शन नंबर बी गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के अंदर कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी 1950 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है आपका यूरिया, ऑप्शन नंबर सी यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, तो महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया था महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी 1025 से 1026 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक डैश के नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए अरस्तु राइट आंसर है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान का है, ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमान राइट आंसर है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व बोला गया है हाइड्रोजन तत्व को, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोला गया है। किसी
किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी भी वस्तु का जो ताप होता है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। ऑप्शन नंबर डी, अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है, राइट आंसर है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश ने, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, 319 से 500 ईस्वी में शासन किया, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आवेग की विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है, ऑप्शन नंबर सी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, पैसे धन के लिए भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। धन प्राप्त करने के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? जंतु विज्ञान के जनक, तो जंतु विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु। अंकीय कंप्यूटर के ब्लू प्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो अंकीय कंप्यूटर के ब्लू प्रिंट के विकास में सर्वाधिक जो योगदान है, राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज का है, ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स बेबेज का सबसे ज्यादा योगदान है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध जो है उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, मतलब ऊष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दर्द के बराबर होती है, तो एक तरंग के लिए तरंग वेग जो रहती है, तरंग वेग आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दर्द के बराबर होती है, याद रखना तरंग वेग आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दर्द के बराबर होती है। भारत का राष्ट्रपति इनमें से क्या वाक्य हो जाएगा वह राष्ट्रपति के लिए? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर ए राज्य का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में यह उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ऑप्शन नंबर बी भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्युलोज है, कार्बनिक यौगिक की बात हो रही थी, सेल्युलोज ऑप्शन नंबर डी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की, ऑप्शन नंबर बी किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रिट्स, ऑप्शन नंबर ए को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी 1946 में, ऑप्शन नंबर ए 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है राइट आंसर है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप में वृद्धि का अर्थ है कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, ताप में वृद्धि का अर्थ है कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट। रेलवे में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक चुंबक है जो रखा हुआ एक जगह, वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों के में विभाजन के प्रभाव को जीमान प्रभाव कहा जाता है।
भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो होता ही होता है, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, तो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी, अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु को ठंडा करोगे अणुओं की चाल घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, अणुओं की चाल घट जाएगी राइट आंसर है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए, ऑप्शन नंबर ए, सोने के सिक्के। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल के द्वारा निरूपित किया जाता है कार्य को, ऑप्शन नंबर बी, कार्य को निरूपित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां ये निहित होती हैं राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित होती है? राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित होती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि ठंड के मौसम में शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म आता है ऐसा क्यों? ठंडी के मौसम में हैंडपंप से आप पानी यदि निकालोगे या बोर से भी निकालोगे, आपके घर में बोर है तो पानी गर्म आता है, इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हैं आपको, आपने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन ऐसे ही निकाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ बनाई है और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सअप पर मिलेगी। आप में से यदि किसी को पीडीएफ चाहिए, अच्छे क्वेश्चन है, रट लेना, ले लेना, 300 रुपये की पीडीएफ है लेकिन अभी 99 रुपये में दी जा रही है, तो जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए 10,000 क्वेश्चन की जरूर ले लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपने ख्याल रखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निशुभ हो, जय हिंद, जय भारत।